देखिए आज हनुमान जन्मोत्सव है और आप चाहते हैं आप लाभान्वित हो जाएं, प्रभु श्री राम की कृपा मिल जाए, तो क्या करना है? राम राम मंत्र का जाप करते हुए हनुमान जी को लाल गुड़हल के फूलों की माला अर्पित करिए और एक गुलकंद का मीठा पान, गुलकंद तो मीठा ही होता है लेकिन उसमें स्पेशली आप डलवाइएगा, हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। हर तरीके से आपको रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, धन की आवक आपके परिवार में, आपके व्यापार में पहले से ज्यादा होगी। तो एक छोटा सा उपाय आज जरूर करिएगा। बहुत लोग परेशान होते हैं अपनी नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, लेकिन आज है हनुमान जन्मोत्सव, बिल्कुल ना घबराइए। क्या करें उपाय? 11 या तो आप पान के पत्ते ले लीजिए या फिर आप पीपल के पत्ते ले लीजिए, उन्हें थोड़ा साफ करिए गंगा जल से। अब लाल चंदन थोड़ा सा घिस कर उसमें गंगा जल मिलाइए। राम राम एक पत्ते के ऊपर कम से कम 5 बार लिखिएगा और लाल या गुलाबी धागे की सहायता से इसको एक माला का स्वरूप दे दीजिए या माला बना दीजिए और हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। आज ही के दिन करके देखिएगा मित्रों, लाभ आपको घर आते आते त्वरित रूप से दिखाई देगा। और ये छोटा सा उपाय यदि आपके मित्र के साथ, आपके सखा के साथ कोई परेशानी है तो उसके साथ भी साझा जरूर करिएगा। देखिए कुछ लोग अपनी सेहत को लेकर बड़े जागरूक होते हैं और होना भी चाहिए। पहला सुख निरोगी काया कहा जाता है। प्रतिदिन सुबह के समय व्यायाम करिए, साथ ही साथ खाली पेट यदि दही और छाछ का सेवन करेंगे तो आपकी हॉर्मोन्स की समस्या खत्म होगी। अब दुख और कष्टों को खत्म करने का वो महा उपाय आपके साथ साझा करते हैं जो आपको हर परेशानी, हर दुविधा से बचाए रखेगा। देखिए यदि आप अपने मन की कामना चाहते हैं पूरी हो जाए तो अपने मन की कामना मन ही मन 3 बार दोहराइएगा। हनुमान मंदिर में तिल के तेल का एक चौमुखा दीपक जलाइए और मीठा पान उन्हें अर्पित कर दीजिए। ये छोटा सा उपाय हनुमान जन्मोत्सव पर आज आप मध्य दोपहर तक कर दीजिएगा। हर दुख परेशानी संकट से आप उबर जाएंगे, बाहर आएंगे। Z News.